बीकानेर में भारत और अमेरिकी सेना का संयुक्त युद्धाभ्यास जारी है और इस एक्सरसाइज में दोनों सेनाओं ने अपनी युद्ध कला का कौशल दिखाया है। इसी पर देखें हमारी ये रिपोर्ट। बीकानेर में बॉर्डर पर ड्रिल, टेंशन में पाकिस्तान। धमाकों से थर्राया थार का रेगिस्तान। आतंकी ठिकाने ध्वस्त, दुश्मन बेदम। बीकानेर में दिखा भारत अमेरिका का दम। भारत और अमेरिका की सेना का 72 घंटे का काल्पनिक युद्ध गुरुवार से शुरू हो गया है। बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। दोनों देशों के सैनिक मिलकर दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर ध्वस्त कर रहे हैं। इस संयुक्त एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के सैनिक संयुक्त रूप से काउंटर टेररिज्म और काउंटर स्पेशल ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। युद्धाभ्यास में अमेरिका और भारत दोनों हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल सीख रहे हैं। काल्पनिक युद्ध में 3 दिन तक इसी आर्टिलरी सिस्टम का सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला है। अमेरिका हाई मोबिलिटी आर्टिलरी में अपने उस रॉकेट का उपयोग करेगा जिसे रूस यूक्रेन युद्ध में काम लिया जा चुका है। 310 किलोमीटर मारक क्षमता वाले इस रॉकेट लॉन्चर का यहां पर करीब 100 किलोमीटर तक उपयोग हो सकता है। इस काल्पनिक युद्ध के लिए 72 घंटे की कार्य योजना बनाई गई है और संयुक्त सेना की अलग अलग टुकड़ियों को जिम्मेदारी दी गई है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के लंबे चौड़े क्षेत्र में गोपनीय तरीके से दुश्मन के ठिकाने बनाए गए हैं। इसी तरह M77 होवित्जर तोप से दुश्मन को बर्बाद किया गया। अभ्यास में अमेरिका के 11 एयरबोन डिवीजन के 600 सैनिक और भारतीय सेना की 9वीं राजपूत बटालियन के 600 सैनिक एक दूसरे से हथियारों की बारीकियां समझ रहे हैं। इसी दौरान सभी सैनिक रणनीतिक तरीके से दुश्मन को उसी के घर में घुसकर उन्हें मारने तक रणभूमि में डटे रहेंगे। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच चल रहा ये संयुक्त युद्धाभ्यास 21 सितंबर तक चलेगा। गुरुवार को अभ्यास के 10वें दिन फायरिंग रेंज में अपाचे हेलीकॉप्टर उतरा और पिनाक मल्टी बैरल से रॉकेट दागे गए। आतंकवाद से निपटने की तैयारी के लिए हो रही इस एक्सरसाइज में दोनों देशों के 1200 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं, जो इस साल का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लाइव फायर अभ्यास है, जिसमें दोनों ही देशों के रणबांकुरे अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट।